नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अभी हम वृंदावन में हैं, तो अब मैं आपको वृंदावन के संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम वृंदावन आए हैं, तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। तो ये है बांके बिहारी जी का मंदिर। सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के मंदिर में गए, तो मैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराता हूं। वैसे अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने ऐसी तो अपने बांकी बिहारी जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन कर लिए। तो मैं आपको राधा वल्लभ मंदिर लेकर जाता हूँ। तो ये है राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ पे देखिए आरती हो रही थी राधा रानी और कन्हैया जी की, श्री जी की। तो आप आरती के दर्शन कीजिए। तो अभी आपने राधा वल्लभ मंदिर देखा, तो अब मैं आपको फिर आगे राधा रमण मंदिर दिखाता हूँ। तो ये सारे मंदिर पास पास में ही हैं, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में बांके बिहारी मंदिर के पास से ही हैं। तो ये तो राधा वल्लभ मंदिर है, मैं आपको राधा रमण मंदिर लेके चलता हूँ। अगर आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो फिर आप बांके बिहारी जी के मंदिर की जो मार्केट है उसी गली में, सखरी गली में आपको कोई धर्मशाला ले लें, वहाँ का प्राइस रीज़नेबल होता है। नहीं तो आप किसी आश्रम या होटल में भी रह सकते हैं। एसी का जो किराया होता है वो एसी का होता है 1200 रुपये और नॉन एसी का होता है 600 रुपये। दोनों में डबल बेड मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको राधा रमण मंदिर लेकर चलता हूँ। राधा रमण मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हमारे राधा रमण जी हैं वो बड़े ही नन्हे से, छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं। तो राधा रमण मंदिर के पास ही निधिवन है, तो हम निधिवन, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ निधिवन में। मैं वृंदावन के लगभग सारे मंदिर के आपको दर्शन करा देता हूँ। तो अब हम निधिवन चलते हैं, आपको निधिवन के दर्शन कराता हूँ। वृंदावन में आप बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि बंदर सामान आपका ले सकते हैं। जब आप उन्हें फ्रूटी देंगे तभी आपको अपना सामान देंगे। तो ये निधिवन के दर्शन कर लीजिए। निधिवन के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण रात को रासलीला करते आते हैं, और यहाँ पे सारे पशु पक्षी सब अपने आप से जाते हैं, और रात में रुकना मना है। तो आप निधिवन के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन। यहीं पे बंसी चो राधा रानी का मंदिर है और रंग महल भी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम आ चुके हैं रंग जी मंदिर। ये बिल्कुल साउथ के मंदिर जैसा, तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा ही है। यहाँ का जो पुजारी है वो भी साउथ से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ का ये देखिए कि वाहन घर है, आप यहाँ पे वाहन घर में दर्शन कर सकते हैं। हाथी है, रथ है, ये सोने का हाथी और सोने का घोड़ा है, चंद्रमा है, सूर्य है, इस पर भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये सब वाहन घर में है। वाहन घर और शीश महल में जाने का टिकट का पैसा लगेगा 15 रुपये ईच पर्सन। तो आप टिकट ले और फिर आप अंदर दर्शन कर सकते हैं वाहन घर और शीश महल में। तो अब हम शीश महल में आ चुके हैं। ये देखिए शीश महल है, ये भी बड़ा ही सुंदर है। अंदर से पूरे शीशे का बना हुआ है, और इसमें भगवान वेंकटेश्वर, राधा रानी, कन्हैया जी और यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता मैया, सभी की यहाँ पे मूर्तियाँ शीशे की बनी हुई हैं। आप यहाँ पे दर्शन करें शीश महल में। तो ये है राधा मोहन टेम्पल, राधा मोहन मंदिर। वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है ये। इसमें कुछ भगवान है वो जयपुर में शिफ्ट कर दिए गए थे जब औरंगजेब आया था मंदिर तोड़ने के लिए। तो ये देखिए, ये इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में हमेशा हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप होता रहता है। तो हम यहाँ भी घूमने गए, इस्कॉन टेम्पल के आप दर्शन कर रहे हैं। ये भी बड़ा सुंदर मंदिर, आप इधर भी दर्शन कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है, तो आप इधर के भी दर्शन करें।
तब मैं अपने मंदिर के पूरे संपूर्ण दर्शन आपको मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ भी हैं, वो मैं आपको सभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं अब आपको फाउंटेन शो भी दिखाऊंगा, जहाँ पे प्रेम मंदिर में फाउंटेन शो होता है वो भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो आपने वृंदावन के दर्शन कर लिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आप वृंदावन के दर्शन करके। तो पिछली बार जब मैं वृंदावन गया था, मैं सारे मंदिर नहीं घूम पाया था, कुछ ही मंदिर घूम पाया था, वो सारे मंदिर मैंने आपकी वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता दी।